गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास फिफ्थ का जो हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन तो समझ लिया था, बट यहाँ पे जो है वो डिवीजन अब मैं आपको समझाऊंगी। तो डिवीजन कैसे करते हैं वो आप देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व द फॉलोइंग है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये दिया हुआ, 225 को आपको डिवाइड करना है किससे, 15 से। तो आपको क्या करना है, 225 को डिवाइड करना है 15 से, राइट। जो पहले लिखा होता है हमको उसको अंदर लिखना होता है, और जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो इधर लिखना होता है। आप इसको अगर ऐसे लिख देते हो तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मैं डिवीजन करना बताऊंगी आपको। यहाँ पर आपके कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, और जो है 15 है। अब आपको चेक करना है कि अगर 2 डिजिट आप ले रहे हो, जैसे मैंने ये 2 डिजिट लिया, तो ये जो 2 डिजिट ले रहे हो वो इससे बड़े होना चाहिए। तो 15 से 22 जो है वो बड़ा है। अब हम करेंगे जैसे 15 का टेबल आना चाहिए, 15 मतलब 15, 15 मतलब 30, 45, 60, सपोज जैसे मैंने इतना बता दिया गया। अब मुझे क्या करना है, पूरा लिखोगे आप, बट मैं अभी शॉर्ट बता रही हूँ, 15 और 22। अब 15 का टेबल आपको इतने टाइम्स बोलना है कि 22 से कम आए, तो 15 वन जा 15 और 15 टू जा 30, तो 30 जो है वो 22 से बड़ा है, तो हमको कौन सा डिजिट लेना है, 1 टाइम, तो 15 वन जा 15, राइट। अब हमको क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो मैंने क्या किया, माइनस किया। अब माइनस करोगे आप, 2 में से आप 5 को माइनस नहीं कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 इससे बोरो लेना पड़ेगा। तो 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर 1 बचा। अब क्या करना है, 12 माइनस 5, तो 12 में से हमको 5 को माइनस करना है, तो आता है 7। अब 7 को आप कहाँ लिखोगे, जिसको माइनस किया है उसके ही नीचे लिखेंगे। आप इधर नहीं लिख सकते हो, ना ही इधर लिख सकते हो, अगर इधर इधर लिखते हो तो ये रॉन्ग है। कहाँ लिखना है, मैंने 12 में से 5 को माइनस किया तो इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है 7, राइट। अब ये जो 7 आ गया है, अब ये जो 7 है, 7 हमारा 15 से कैसा है, स्मॉल है, और यहाँ पर हमारा जो है एक डिजिट बचा भी है, तो हमको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है, 5 को यहाँ नोट डाउन कर लेना, राइट। अब 15 से ये बड़ा हो गया, अब वापस आपको यही जो मेथड किया था वही रिपीट करना है। 15 का टेबल्स इतने टाइम्स रीड करना है कि या तो 75 आए या फिर 75 से कम आए। तो 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60, 15 फाइव जा 75। अब मैंने आपको बताया था या तो पूरा डिजिट आए या फिर उससे कम आए, तो हमारा डिजिट जो है 75 आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, 15 फाइव जा 75। तो अब क्या करना है, इसको माइनस, 5 में से 5 माइनस करोगे 0, 7 में से 7 माइनस करोगे 0, और 0 0 हो गया, अब पूरा डिवाइड हो गया। अब इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको हम बोलते हैं क्विटेंट। तो क्यू क्विटेंट इज 15 एंड रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो 0 0, मींस आर जो है वो 0 0, और क्विटेंट कितना है 50। इसी तरह से आपको ये सारे डिवाइड करना है, ये जो है वो आपको डिवाइड करके क्विटेंट और रिमाइंडर बताना है। अब डिवीजन में हमारा जो है वो इंडियन न्यूमरल सिस्टम वाला आता है, तो इंडियन न्यूमरल डिवाइड जैसे कि हमने पहले किया है इंग्लिश वाला, वही हमको इंडियन न्यूमरल सिस्टम में करना है। कि सबसे पहले आपको ये लिखना है इस तरह से, और 33 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट चेक करना है कि स्मॉल है या लार्ज है। तो ये 85 और ये 33 है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको 33 का टेबल लिखना है, जैसे 33 बन जाए 33, 33, 33, 30, 66, इस तरह से आप कर सकते हैं, 99, राइट। तो क्या करना है हमको, 66। अब क्या करना है आपको, माइनस करना है, तो 15
फाइव में से सिक्स को माइनस नहीं कर सकते हो आप, तो आपको क्या करना है यहाँ पर वन और तो 15 माइनस 6 9 और यहाँ पर 7 माइनस 6 1 ये हुआ 8। अब आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करके देखना, अगर आपको टेबल फॉर्म करना आती है तो आप टेबल फॉर्म कर लो इस तरह से राइट, और अगर नहीं आती है तो आप एक एक मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो इस तरह से, या तो आप वो कर लो ऐड करते जाओ और या तो मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ जैसे मैं कर रही हूँ 6 से, 6 3 18 का 8 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19, तो ये हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स 1 9 8 0, तो क्वोटेंट क्या आया हमारा 2 6 26 एंड रिमाइंडर इज 0। अब यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आता है वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, छाया बॉट 20 कॉपीज फॉर ₹360। छाया ने जो है वो 20 कॉपीज परचेज की हैं और उसने कितने रुपीज़ पे किए हैं, ₹360 पे किए हैं। तो आपको क्या बताना है, वन कॉपी की कॉस्ट बताना है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में इस तरह का आए कि ज़्यादा का आपको दिया हुआ है और आपको वन का पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना। तो आपको क्या करना है, 360 को 20 से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, 360 को 20 से डिवाइड किया। अब आपको वही डिवाइड वाला तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया कि आपको टू डिजिट चेक करना है। अब 22 जहाँ 40 हो जाता है तो आपको वन टाइम ही लेना है, तो मेरा जो आंसर आया वो 18 आया है। तो वन कॉपी की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 18 रुपीज़। इसी तरह से आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है।